बच्चों को देते हैं, उसको कर लेते हैं और 5 लाख रुपए किलो लेखपाल को लगा के मैम आप उसको बनवा दीजिए और गाड़ी को मुकदमा होगा। और ये गाड़ी ऐसो शाम आगे कौन है आप गाड़ी को थाने पर ले चलिए, खाद भरी है उसमें और उसके मालिक आ रहा है और बैठ के राजेश भाई के नेतृत्व में आपको आप बैठ के पंचायत करके उसको जिले लेने का काम करना है। आप लोग 5 लोग रहो, प्रधान जी है, आप है नहीं ठीक आ रहा है वहाँ पब्लिक गरीब आदमी बहुत गरीब है। विधायक जी मैंने एक बात खाली इंस्पेक्टर साहब से कहा, विधायक इंस्पेक्टर साहब हम मदद चाहते हैं गरीब व्यक्ति मालिक है हाँ। जो प्रक्रिया कानूनी जो होगा हाँ। लेकिन इसकी 10-20-25-50 मदद हो जाए, गरीब आदमी है। इंस्पेक्टर साहब से मालिक ने सीधा समझा दिया कि मैं उसको कुछ नहीं दूंगा। ऐसा है ना कि बोलते हैं सब जब आ जाते हैं ना वो सोच ऐसे ही सवाल ये भैया ने कि डॉक्टर साहब ने डील करेंगे इसको। अरे बिल्कुल डॉक्टर साहब ने साधारण ढंग से बोल दिया, हम आपके यहाँ भेज देंगे आप डील करिएगा। वो हम क्यों डील करेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे इसमें, डील करने का नहीं बैठेंगे ना। ये डील डॉक्टर साहब थोड़ा साधारण से बोलिए, नहीं सही तो कर रहे हैं डील भी करेंगे, बोलने का तरीका ठीक होना चाहिए, बोलने का लहजा तो ठीक होना चाहिए, बोलने का लहजा ठीक होना चाहिए। इंस्पेक्टर है, यही बात करवा दे, आम आदमी नहीं है, ओके हो जाएगा, हम कुछ बोल सकते हैं उल्टा पलटा, हम आम आदमी है। अरे ये कि अगर नहीं समझौता होगा तो चंदौली में उनकी गाड़ी जो वहां से लेके आती है ना फिर नहीं आएगी, ये लोग फिर ये सोच रहे आज ही एक बार हो गया फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, फिर वहां नहीं आएगी, इसलिए उनको ये समझा के इधर बैठा के करवा दे। रजत भाई उनके टाइट कर दिया, कह दिया टाइट करो, ये टाइट करवा करेंगे क्या, कोई बात नहीं, तब चला हम खुद बैठे, चलो हम बैठे, चलो बैठेंगे, चलिए आने के बाद हमको फोन करिए मैं आऊंगा। हाँ ठीक है हो जाएगा, चलो प्रधान जी चलो उठाओ, ठीक है ठीक है बनवा लो, हो गया गाड़ी वाली कोई व्यवस्था है, गाड़ी का गाड़ी पैसा वहाँ पर हम